अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग भी बहुत ही मज़े का होने वाला होगा, जैसे कि आप लोगों ने शुरू में देख ही लिया है। और दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि भई आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, आपको इनकम आने लग गई, आपको एडसेंस इनकम भाई, और स्पेशली दुबई में भी एडसेंस इनकम का बड़ा ही इशू है। तो आज उन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ वीडियो भी देखेंगे, आपको मज़े मज़े की चीज़ें भी दिखाऊंगी, फुल शेयरिंग भी करूंगी। यहाँ तो सुबह सुबह मैं बना रही थी दुआ का लंच और मैं इतनी स्पीड में थी ना, क्योंकि मुझे आज थोड़े से, आज मैं 10 मिनट लेट उठी थी, लेकिन 10 मिनट का मतलब था काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। तो मैंने उसके लिए फटाफट से लंच बॉक्स रेडी किया था, उसके लिए कुछ ग्रेप्स डाले थे, कपकेक था, आलमंड्स थे, और दुआ ना मतलब भिगोए हुए आलमंड्स नहीं खाती, इसलिए फिर मैं उसको वैसे ही दे देती हूँ। और इधर अंडा बनवाने के बाद फिर उसका मूड चेंज हो गया, फिर उसको मैंने योगर्ट दिया, और ये मैंने ना योगर्ट घर पर बनाया था और इतना टेस्टी ना, बहुत ही मज़ेदार बना था। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी भी इसकी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान है। मुझे दही लगाना नहीं आता था, फिर मैंने अपनी मम्मा से सीखा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एयर फ्राई कर लिए थे नगेट्स, जो थे मैंने वो एयर फ्राई कर लिए थे, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार। मैंने ये देखे, मैं दोबारा भी वीडियो की खातिर मुझे दोबारा निकालना पड़ा, वरना अदरवाइज़ कोई इरादा नहीं था, लेट बड़ा हो रहे थे, इसलिए भी मैंने कहा दूसरे कुक करने के बजाय ये था, मैं एयर फ्राई में डाल के फटाफट दुआ को रेडी करने चली गई थी। और यहाँ पर मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी कर लिया था, उसको मैंने नाश्ता करवा दिया था, तो मतलब सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। बस अब लास्ट पे मुझे यही होता है कि उसके ऑटो वाले अंकल के आने से पहले पहले वो बिल्कुल रेडी हो जाए, क्योंकि अक्सर उसको एंड टाइम पे कोई ना कोई काम याद आ जाता है या वॉशरूम आ जाता है। तो यहाँ पे उसका लंच बॉक्स जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो गया था, डन रेडी हो गया था। और आज जो थी ना वो वीकली हमने की थी ग्रॉसरी वेजिटेबल्स की, तो मेरा दिल था वीकली जो मुझे वेजिटेबल्स सारी पसंद है ना, बंदा उसको स्टॉक कर ले। भाई पाकिस्तान में होम डिलीवरी नहीं होती, इसलिए आपको जाके हर चीज़ लानी पड़ती है, मतलब छोटी छोटी स्पेशली सब्ज़ी वाली ऐसी शॉप्स तो ऑब्वियसली आपको डिलीवरी नहीं ना दे सकती, इसलिए फिर हमने एक ही बार सोचा कि एक ही बार सारा कुछ जाके ले आते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ थी, मुझे ना ये कॉर्न्स बड़ी सस्ती मिली थी, 50 रुपये किलो, एंड आई वाज रियली शॉक्ड। मैंने कहा ये तो बहुत सस्ती है, फिर मैंने कहा चलो मैंने एक चीज़ सोची हुई थी, मैंने कहा था इनको बॉयल करके और इनके सारे यानी कि छोटे दाने निकाल के ना, तो मैं इनको फ्रीज़र में रख लूँगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रोज़न पी जो थे ना, ये कैसे बोलते हैं, स्वीट कॉर्न्स तो थे, वो मुझे ना मतलब पसंद नहीं आए थे, उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। तो फिर मैंने कहा चलो इस वाले का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं DIY करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई थी, एक मैंने पैकेट तो निकाल ही लिया था इन सब में से। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ भाई मुँह मीठा करवा रही हूँ, और क्योंकि मैं वीडियो भी ऐसी बना रही थी, लेकिन ये स्पेशली मैं अपनी बेटी की पसंद की डिश बना रही थी, उसको मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है, इसलिए दोनों बच्चों की मैंने हेल्प ली थी। ये देखें छोटे छोटे टाइनी टाइनी हाथ आपको बीच में से नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मार्बल केक, टी मार्बल केक है, बहुत ही इजी। मैंने इस पर बीटर इसीलिए यूज़ नहीं किया, जिसके पास नहीं है कोई मसला नहीं, आप आराम से विस्कर के साथ करें, हाँ चीनी बस पीसी हुई डालें, वैसे मैंने तो इतनी मिक्स की थी कि वो आराम से कून से ना मिक्स हो गई थी। क्वान्टिटी देख लें, मैंने आपके सामने इसमें 3 अंडे डाले हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से फेंट लिया था, 1 कप चीनी डाली थी उसको भी अच्छे से फेंट लिया था, फिर उसमें मैंने डाला है तकरीबन 1/2 कप ऑयल, 1/3 कप ऑयल था मेरे पास, 1/2 कप वाला जो था वो मेरे बच्चे ने अलमारी के नीचे फेंक दिया, फिर मैंने कहा क्या हाथ मार के निकालूंगी तो फिर मैंने कहा जो है उसी को मैयमन कर लेते हैं। तो मैंने इसमें 1/2 कप डाला है ऑयल, और मैंने इसमें डाल रही हूँ अब थोड़ा सा वनीला एसेस, और मैंने इसमें डाला था 1/3 1/4 मैंने इसमें कप डाले थे ये उसके दूध का, थोड़ा सा लाइक 3 to 4 टेबल स्पून के करीब राउंड। और यहाँ पर मैंने ले लिया था तकरीबन से 2 कप मैदा, मैंने इसको अच्छे से छान लिया था, और क्योंकि नीचे गिरा था फिर मैंने दूसरी जगह छान के प्लेट में रख दिया था। और यहाँ पे मेरे पास है ये बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून डालना है आपने बेकिंग सोडा, एंड 1 टेबल स्पून के करीब डालना है आपने बेकिंग पाउडर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने हंडो को बिल्कुल भी फेंटी शेंटी नहीं लगा रहे, तो हमारे पास बेकिंग पाउडर या इसको फ्लफ अप करने के लिए, तो इस वजह से कंजूसी नहीं करनी। और आपने इसमें अगर आपके पास एक चीज़ है तो एक चीज़ डालें, दोनों है तो दोनों चीज़ें डालें, डजेंट मैटर। पीछे अगर आपको मेरे सी सी की आवाज़ आ रही है ना, तो हम सो सॉरी, पंखे चलते हैं अभी भी, पंखों की बहुत आवाज़ है इधर।
और एसी चलाया तो बीमार हो गया, और पंखा बंद करते तो गर्मी लगती है, इसलिए फिर जो भी है उसमें गुजारा करना पड़ा। तो खैर यहाँ पे हर चीज़ मैंने डाल दी थी, और इसको अच्छे से विस्कर से मैंने ना मिक्स कर लिया था ताकि कोई लम्ब्स ना रहे। लेकिन ये थोड़ा सा थिक था तो इसमें मैंने 1/3 कप दूध का मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और फिर मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। क्योंकि मैं जो इसको मैंने 2 कप इसलिए लिया था क्योंकि मुझे 1-1 कप करना था, 1 कप मुझे इसको ट्रांसफ़र करना था उसमें चॉकलेट में, चॉकलेट केक के लिए, और एक मुझे वनीला केक ही रखना था। यहाँ पे मैंने थोड़ा चॉकलेट और थोड़ा ज़्यादा वनीला रखा था क्योंकि मुझे था कि ज़्यादा ही काला काला ना ना हो जाए। मैं अक्सर मार्बल केक बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मेरे बच्चों को ब्राउनीज़ बहुत पसंद है मेरे हाथ की, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के चॉकलेट केक बहुत पसंद है। मोस्टली लिटल बिट परफेक्ट एट चॉकलेट केक, लेकिन भाई सारा कुछ आना चाहिए है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। इसलिए मैं कहा चलो आज उसकी फरमाइश पे, शी सेड दैट मम्मा कुछ अच्छा सा बनाना। मैंने कहा ओके। मेरे पास ना बटर पेपर, वो मेरा बेकिंग पेपर ना गुम हो गया था, तो मेरे पास ये वाले पेपर्स थे बटर पेपर, मैंने ये ऑर्डर किए हुए थे, ये दराज से आपको ईजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये थे, फिर मैंने इसको वही नीचे लगा दिया और स्प्रे कर दिया, और साथ साथ अब मैं जो है वो सारा अपना बैटर डाल रही हूँ, थोड़ा सा वनीला, दैन थोड़ा सा चॉकलेट, देन अगेन वनीला, यानी कि चॉकलेट के बीच में वनीला, फिर वनीला के बीच में चॉकलेट, यूँ दोनों को मिक्स मुक्स करके तो आपने इसको अच्छा सा मार्बल इफेक्ट दे देना है। और मेरे पास पैन जो था ये बहुत बड़ा था, और इससे छोटा बहुत छोटा था, मीडियम वाला पैन मेरे पास अभी है नहीं काफ़ी चीज़ें भी मेरे पास नहीं है। तो जो जो चीज़ें मेरे हाथ से लग रही थी मैंने कहा आज बना के रहूँगी। मेरे पास एक्चुअली ब्रेड मोल्ड भी था, और लेकिन फिर मुझे लगा कि केक का बैटर ज़्यादा है, और ब्रेड मोल्ड में ना वो अच्छे से ना फ्लफ अप नहीं होता, तो अक्सर मेरा केक जो था ना कच्चा रह जाता, मैं जब भी उसमें बनाती हूँ थोड़ा सा भी बेशक। तो फिर मैंने कहा नहीं इसी में बनाते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब देखिए, मैं आप इसको फोक से या किसी भी चीज़ की हेल्प से आराम से, और ये मेरे पास था मेरे चिमटे का, मेरे पास था ये लकड़ी का चिमटा था जो कि टूट गया था, लेकिन मैंने इसकी लकड़ी संभाल के रखी हुई थी। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और मैंने अच्छा सा मार्बल इफेक्ट दे दिया, एक तरफ से चॉकलेट ज़्यादा हो गई थी और एक तरफ से वनीला ज़्यादा, बट टेस्ट वॉज वेरी नाइस। और ये मतलब वीडियो में थोड़ा सा लेट लेट लग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी। और अगर तो आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है, पतीला है, तो कोई मैटर ही नहीं करता। आपने भी पतीले को थोड़ी देर गर्म करना है, 5-10 मिनट, और उसके बाद आपने 30 मिनट्स के लिए उसको मीडियम से लो फ्लेम पर रख देना। मैं कहती हूँ आपका ज़बरदस्त सा केक रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको ओवन में रख दिया था, मैंने इसको रखा था 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए रखा था। और ये देखिए यहाँ पे ये पूरा 180 पे है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। और ये देखिए भाई, केक को आपने मेरा ओवन को नीचे से जज नहीं करना, आपने ये नहीं कहना बीच में मुझे कमेंट्स करके बाजी इतना गंदा आपका ओवन है आप साफ़ नहीं करती। तो भाई आई एम सो सॉरी, उसे 1-2 दिन पहले मैंने ना चिकन ग्रिल किया था, तो उसका सारा पानी ना मेरा ओवन पी गया, फिर मुझे साफ़ करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि अभी वीकेंड नहीं आया। तो फिर मैं कह चलो छोड़ो फिर सही, तो फिर इस वजह से नो कमेंट्स प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए केक की शक्ल कितनी प्यारी लग रही है, आई जस्ट रियली लव दैट। और फिर मेरा दिल करता था, मुझे चाहिए था, मेरे पास ना जो होते हैं ब्रेड मोल्ड्स ना वो 2-3 होने चाहिए, मुझे प्यारे प्यारे से केक बनाने चाहिए, और ताकि उनकी वाइब भी बड़ी प्यारी आती है। तो फिर अब मुझे दिल कर रहा भाई शॉपिंग करने का किचन वाली, तो ये औरतों का दिल क्यों नहीं भरता शॉपिंग से, आई डोंट नो वाई आप लोगों के साथ ये सब कुछ होता है कि नहीं होता। और कब से हम केक केक लगे जा रहे हैं भाई, मेन टॉपिक पे तो हम आए ही नहीं। मेन टॉपिक इज़ दैट आई फाइनली गॉट माय फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब, और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। इसको मोनेटाइज हुए अभी 6 महीने हो गए, और 6 महीने बाद मुझे 4 महीने बाद उसकी सैलरी मिली थी, क्योंकि भाई $100 ही नहीं कम्प्लीट हो रहा था भाई, क्योंकि नो ऑफेंस प्लीज़, नो एनी काइंड ऑफ यू नो शुगर कोटेड बातें और ये वो की जी नहीं आप पैसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, नहीं भाई व्यूज़ आएंगे तो तुम्हें पैसे मिलने, व्यूज़ नहीं तो पैसे भी नहीं। तो व्यूज़ तो जमा होते होते काफ़ी टाइम लग गया था, दैट्स वाई इट टुक मी सो मैनी टाइम्स, आई मीन सो लॉन्ग टाइम। तो भाई मैंने 4 महीने लग गए मेरी पेमेंट आने में, और पेमेंट मुझे एक्चुअली दुबई में ही रिसीव हो गई थी, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि मुझे पाकिस्तान आना था, तो फिर बस आना जाना, दुआ का स्कूल, पैकिंग एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ़। सो आई वाज रियली बिजी, और मुझे इतना दुख होता था जब मैं आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती थी कि आप क्यों नहीं शेयर करती हैं आपका चैनल का, और आप क्यों नहीं ये वो शेयर करती, तो मुझे बड़ा फील होता था यार कि मुझे ना लाजमन हर चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए कि मुझे कैसे यूट्यूब पे, नहीं टू बी ऑनेस्ट मेरा चैनल काफ़ी देर का मोनेटाइज हुआ हुआ था, लेकिन मुझे एडसन की जो पिन होती है ना वो रिसीव नहीं हो रही थी। मुझे 4 मंथ तक उसका वेट करना पड़ा था दुबई में, एंड टू बी ऑनेस्ट दुबई में आपको एडसन पिन नहीं मिल सकती,
बहुत ही वड्डा मसला है, बहुत वड्डा मसला है। मसले से मुराद मतलब काफ़ी, क्योंकि हम पाकिस्तान में, हमारे इधर पोस्ट ऑफिस पे इजीली आ जाता है, लेकिन दुबई में नॉर्मली आपका पोस्ट ऑफिस नहीं होता, आई मीन आपका पोस्ट पीओ बॉक्स नहीं होता, यानी कि पास आपके पास पोस्टल एड्रेस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उधर आप, अगर आपकी उधर की खुद की यानी प्रॉपर्टी है, आपका अपना वहाँ पे घर है ज़ाती, देन यू हैव योर पोस्टल बॉक्स एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हैं और अगर आपके पास खुद का अपार्टमेंट नहीं है बाय किया हुआ, देन आपको खुद पीओ बॉक्स जो होता है आपको अपना वो ख़रीदना पड़ता है। तो क्योंकि सिर्फ पिन जो है वो आपके पोस्टल एड्रेस पे ही आती है, अदरवाइज़ पिन आपको रिसीव नहीं होती, ये बहुत इशू बनता है। मेरे ख्याल से और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये इशू होता होगा, लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान में सबके पास पोस्टल एड्रेस होते हैं, लेकिन मतलब माशाल्लाह काफ़ी, मतलब सब लोगों के पास अपना घर होता है, एड्रेस होता है, तो सबके लिए पिन आना ईजी हो जाता है, क्योंकि पिन के बगैर एडसन नहीं चलता, और अगर एडसन नहीं चलेगा तो पैसे कितों कटोगे, पैसे तो वो ही आते हैं ना। तो मोनेटाइजेशन का एडसन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है, मोनेटाइज होता है तो वो एडसन से अकाउंट जो होता है वो हमारा अटैच होता है, और एडसन में ही पैसे आते हों, और जो पैसे हैं वो विड्रॉ तभी हो सकते हैं वेन यू हैव योर एडसन पिन, और जब तक पिन नहीं आएगी तब तक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो पैसा लाने और निकालने के वास्ते बहुत टाइम लग गया हमरे को भाई, बहुत। हम एमी को, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत एफर्ट की थी, बहुत, उनको मेरी पिन की भी, मतलब मुझे जितनी मैंने उनको टेंशन दी हुई थी ना, उन्होंने मेरे लिए स्पेशली, हमने फिर एक पीओ बॉक्स वहाँ पे बाय किया दुबई में, और हमें था कि हमारी अब पिन आ जाएगी, बहुत वेट करने के बाद फिर भी पिन नहीं आई। तो फिर मुझे YouTube वालों से मतलब कांटेक्ट करना पड़ा, मैं क्योंकि बार बार उन्हीं से कांटेक्ट करती थी, क्योंकि आप सिर्फ 3 और आई गेस 4 टाइम्स अप्लाई कर सकते हो पिन जनरेट करने के लिए, उससे ज़्यादा अब तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो जनाब यहाँ तो मेरा केक देखें कितना प्यारा लग रहा है। पिन के बारे में हम भाई नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि आप दुबई में किस तरह पिन जो है वो आप मंगवा सकते हो, अपना अकाउंट, अपना एडसन का जो आपका अकाउंट है वो आप किस तरह उसको मोनेटाइज कर सकते हो, यानी कि आप उसको चालू कर सकते हो। तो वो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह 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 लाजमन नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अब की जो वीडियो है ना वो है मेरी पहली कमाई के बारे में, एंड आई वाज सो 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 हैप्पी। मेरे पास जो राउंड फिगर्स थे वो ऑब्वियसली वो डॉलर्स में थे, लेकिन मैंने डॉलर्स को यूएई में चेंज किया हुआ था, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने अपनी करेंसी कौन सी रखनी है, यूएस डॉलर रखने हैं, दिरहम्स रखने हैं, रुपीज़ रखने हैं, इंडियन एंड ऑल काइंड, मतलब जिस जिस कंट्री में रहते हो आप उस कंट्री की कर सकते हो। तो मैं दुबई में थी तो ऑब्वियसली मैंने वो किया था, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह $100 से थोड़ी सी ज़्यादा इनकम हुई थी। तो भाई मैं बहुत खुश थी। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने और मेरे देव ने मेरे लिए प्यारा सा केक जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, मेरी पहली कमाई का। और ये जो डॉलर्स थे ना ये असली डॉलर हैं, असली नकली डॉलर नहीं है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड के थे, मेरे नहीं थे, मेरे तो दिरहम्स आए थे और वो अकाउंट में थे। लेकिन यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया था कि भाई आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे मतलब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी, $100 ही कम्प्लीट हो गए, बहुत था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। और यहाँ पे मेरा पिस्ता मीठा, मेरी बेटी सो रही थी, और ये दुबई की वीडियो है, और ये देखे जी मैं डॉलर्स फ्लॉन्ट करते हुए, जो कि मेरे नहीं हैं बिल्कुल भी, जो कि मेरे पास उधारे पैसे थे, मैंने अपने हस्बैंड के दिए, इसमें से एक नोट मेरा था, एक नोट लेकिन इसमें थोड़े से दिरहम्स ऐड कर लें तो वो भी मेरे थे। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा भी व्यूज़ नहीं थे, और क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ व्यूज़ पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे आपकी इनकम भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिथे होगे फिर ओथे दी कबाई लभदी है। तो मैं मेरे लिए भी बहुत दुआ करूँ और आप लोगों के लिए भी बहुत दुआ, जिन जिन का न्यू चैनल है, आई होप अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे और अल्लाह ताला मुझे भी बहुत तरक्की दे मेरी। और अभी तक वो मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले इनकम आई थी, उससे पहले अब नहीं आई क्योंकि उसके बाद मैं इतना ऑफ रही हूँ कि वीडियोज़ नहीं बना पाई। तो भाई दुआ है सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे, मुझे भी तरक्की दे, आप लोगों को भी बहुत तरक्की दे। मेहनत करें तो जब उसका फल मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है, बेशक वो ज़्यादा हो या कम। तो भाई मुझे अगर 10 रुपये भी आते ना तो आई वाज रियली हैप्पी, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बेबीज़। तो भाई अगले वीडियो के लिए अभी इंतज़ार करें, अल्लाह हाफ़िज़।